अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हारने का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। तमाम बरादरान वतन को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक सैयद फारूक बाबा, मित्र मंडल, परभणी। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो सब काट लेते हैं, जिंदगी ऐसे जियो के मिसाल बन जाए। सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं। शुभेच्छुक गुलमीर खान, स्थायी समिति सभापति पद पर हैट्रिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं गुलमीर खान, परभणी शहर महानगर पालिका परभणी स्थायी समिति सभापति। सभी को मैं रमजान व ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। 17वीं परभणी लोकसभा चुनाव के लिए स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की ओर से स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के जिला अध्यक्ष किशोर राधा किशन ढगे, इन्होंने अपने स्वाभिमानी शेतकरी पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ जाकर जिला कलेक्टर ऑफिस में नामांकन पत्र दाखिल किया है। मैं न्यूज परभणी महानगर के संवाददाता से बात करते हुए किशोर ढगे, इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। स्वाभिमानी शेतकरी संगठना की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किया गया। किसके नाम से सर उम्मीदवारी दाखिल की? मेरे ही नाम से, किशोर राधा किशन ढगे। अच्छा, स्वाभिमानी पक्ष की तरफ से दाखिल हुई वाली है। अच्छा, और हम गांव-गांव में ये मुद्दा लेकर जा रहे हैं कि ना कोई खान के नाम पे, ना बांध के नाम पे, ना ओबीसी, ना मराठा, ना हिंदू, ना मुस्लिम। ये सिर्फ किसानों की हक की लड़ाई है और सोयाबीन, कॉटन, इनके भाव जो गिर रहे है जी, ये उसकी लड़ाई है। ये गांव किसान के खेत में काम करने वाले किसान और मजदूरों की लड़ाई है, जो कि यहाँ के खासदार तकरीबन 20 साल से जी छोटे और बड़े सभागृह ग्राम में काम करते हैं जी। उनको शासन की तरफ से दो लाख रुपए महीना तनख्वाह है जी। लेकिन इन 20 सालों में उन्होंने कभी भी ना कोई मजदूरों का ना कोई किसानों का ना किसी तरह के आरक्षण पर कोई बात वो सभागृह में छेड़ी है, अभी तक हमने नहीं सुना है। अच्छा, इसलिए हम किसानों की बात लेकर चुनाव में उतरे जी। तो आपकी जो तो यहाँ पर यंत्रणा शेतकरी स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के जो तो शाखाएं बहुत मजबूत है, तो हाँ, इससे आपको अंदाजा कैसा लगता है कि भाई क्या रहेगा यहाँ? नहीं सर, हमारे पास अगर देखा जाए तो चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसे, बहुत सारे कार्यकर्ता और बहुत सारे एखादा पक्ष मजबूत लगता है जी। लेकिन हम ग्रामीण भाग के सामान्य किसान के लड़के हैं जी, और जो भी हमारे साथ में वो सामान्य किसान की लड़के, उनका पूरा व्यवसाय ना कोई गुत्तेदारी, ना रेती, ना गुटखा वगैरह तस्करी नहीं है जी। तो खेत में जाना और खेत में काम करना यही उनका व्यवसाय है। तो हम सब किसान के लड़के गांव-गांव में जब हमारे सभा होते, भाषण होते, तो लोग हम एक रुमाल ये करते हैं, झोली बना करते हैं, तो उसमें लोग पैसे डाल रहे हैं। अच्छा, और वही पैसों से आज का डिपॉजिट भरा गया है जी। और वैसे ही पैसे इकट्ठा करके एक नोट और एक वोट करके ये परभणी का चुनाव हम लड़ने वाले हैं। परभणी जिल्ह्यामध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मोठ्या ताकदीने लोकसभेची निवडणूक लढणार आहे। ही निवडणूक जाती पातीची नाही, खान पाहिजे का बाण पाहिजे म्हणून नाही, तर ही निवडणूक माझ्या रानामध्ये राबणाऱ्या मायबापाची आहे, सोयाबीन आणि कापसाच्या भावाची आहे, इथल्या दुधाच्या भावाची आहे, आणि आम्ही हे मुद्दे घेऊन गावगाड्यामध्ये जाणार आहोत। मला माहिती आहे की तमाम शेतकऱ्यांची पोरं स्वाभिमानीला कधी निवडणुकीच्या रिंगणात एकटं सोडणार नाहीत, ते तन मन धनानं आमच्या सोबत आहेत, आणि नक्कीच या शेतकऱ्यांच्या पोराचा विजय या लोकसभेमध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही। या महायुतीमध्ये जे जानकर साहेब उभे आहेत, ते मंत्री असताना त्यांनीच इथल्या शासकीय दूध डेअरीच्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याचे 2 रुपयांना भाव कमी केलेले होते, आणि ते भाव का कमी केले म्हणून इथले विद्यमान खासदार रस्त्यावर सुद्धा उतरले नाही, ते त्याच्या मजगुलीमध्येच फिरत होते। हे चोर चोर मावस भाऊन अर्धा अर्ध वाटून खाऊ आहेत। जाती पातीच्या भानगडीत आम्हाला पडायचं नाही। आमची लढाई सोयाबीन आणि कापसाच्या भावाची आहे। शेतकऱ्याला, माय बापाला सन्मान मिळवून देण्याची ही लढाई आहे। ती लढाई आम्ही ताकदीने लढणार आणि जिंकणार। निवडणूक लढवायला आमच्याकडे पैसे नाहीत आणि मोठमोठाल्या सभा घ्यायला सुद्धा आमच्याकडे पैसे नाहीत। वॉर रूम सारखं देखील आम्ही चलवायची आमची ऐपत नाही। आमच्या
सोशल मीडिया आमची वॉर रूम ही वावरातून चालणार आहे, गाव गाड्यातून चालणार आहे आणि येणाऱ्या याच्यामध्ये आम्ही कुठलीही मोठी सभा घेणार नाहीत, आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचा. आमची काय एकच गाडी आहे माझ्याकडे, म्हणून सगळ्याला आव्हान आहे की जितकं तुम्ही स्वतः स्वतः मोटरसायकलीनं घ्या, स्वतःला जे वाहन भेटतंय ते घ्या आणि जास्तीत जास्त गावगाड्यामध्ये जाऊन आपल्या शेतकरी मायबापाचा प्रचार करा, एवढं आपल्या माध्यमातून सगळ्या गावगाड्यातल्या शेतकऱ्याला विनंती आहे. खुदा भी अपने रहमतों की इस पर बरसात करता है जो जरूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ता है. लोकशाही सेवा संगठन की ओर से रमजान की शुभकामनाएं. शुभेच्छुक अतीकुर रहमान, कांग्रेस ज्येष्ठ नेता, संस्थापक अध्यक्ष, लोकशाही सेवा संगठन, परभनी. सूरज की किरणें तारों की बहार, चांद की चांदनी अपनों का प्यार. मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार. तमाम बरादरान वतन को ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं. शुभेच्छुक मोहम्मद नईम, भावी नगर सेवक, परभनी. 56वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप खो खो का आयोजन 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक दिल्ली में किया गया, जिसमें नांदेड़ डिवीजन की ओर से एस श्रीजेश और आदर्श मोहिते दोनों ने दिल्ली में आयोजित खो खो टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था और उन्हें इस प्रतियोगिता में सफलता मिलते हुए दोनों ने भी गोल्ड मेडल जीता है. जब वो सचखंड एक्सप्रेस से दिल्ली से नांदेड़ वापस यात्रा कर रहे थे तो उसी मुलाकात में परभनी रेलवे स्टेशन पर TC सैयद लियाकत, TC रितेश, TC प्रेमानंद, इन्होंने जीत हासिल किए हुए एस श्रीजेश और आदर्श मोहिते को पुष्पमालाएं पहनाकर मिठाइयां देते हुए सम्मानित किया. इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग की तरफ से हमारे सीतेश भाई गए थे दिल्ली खो खो खेलने के लिए, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं. ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. टिकट चेकिंग के लिए हमारा नाम ऊंचा किया है इन्होंने. मैं इंडियन रेलवे टीम से खेल के आ रहा हूँ. इतना सपोर्ट अपना टिकट चेकिंग से दिया, रेलवे नांदेड़ का स्टाफ हो टीटी हो अच्छा मतलब सपोर्ट कर दिया. चेकिंग स्टाफ भी तो मेडल लेके आ गया. खो खो मैच खेलने के लिए गया था, सीनियर नेशनल था, दिल्ली में हुआ था तो अभी मेडल लेके आ गया था कहीं सपोर्ट करने के लिए सब लोग. उसके बाद अभी साउथ सेंट्रल में अपन दोनों हैं, मैं तो चेकिंग स्टाफ हूँ, नांदेड़ का क्लर्क हूँ, जूनियर क्लर्क हूँ. भारतीय लोकतंत्र को समृद्ध एवं मजबूत करने के तथा मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर प्राध्यापकों एवं प्राचार्य मतदाता जागरूकता के माध्यम से मतदान प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वित करें, ऐसा आह्वान स्पीक जिला नोडल अधिकारी प्रोफेसर गणेश शिंदे ने किया है. तालुकाओं में प्राध्यापक ELC क्लब माध्यम से मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है. इसी के तौर पर 3 अप्रैल 2024 बुधवार के रोज परभनी के वीर रघुनाथ सभागृह में चुनाव पाठशाला ELC क्लब की माध्यम से मतदान जागृति करने के लिए तालुका के स्कूली HM प्रिंसिपल की तारीख 3 अप्रैल के रोज बैठक आयोजित की गई थी. इस समय शिक्षा अधिकारी गणराज येरमाल, सिटी स्कूलों के HM प्रिंसिपल, जिला स्वीप सदस्य आदि की उपस्थिति थी. प्रोफेसर गणेश शिंदे ने आगे बोलते हुए स्कूल कॉलेज स्तर पर मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों में विभिन्न नारों के माध्यम से प्रभात फेरी निकाली, अभिभावक बैठक को लेकर अभिभावकों में मतदान करने की शपथ दिलाई, विद्यार्थियों के समक्ष संकल्प पत्र का सामूहिक वाचन, विद्यालय की सहभागिता एवं आचार संहिता के तहत सीनियर कॉलेज और ELC क्लब परिसर में चुनाव पाठशाला में एक लड़के एक लड़की को राजदूत के रूप में चुनाव जाना चाहिए पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, गीत गायन प्रतियोगिता, NCC के माध्यम से नए मतदाताओं और मतदाताओं की जागरूकता पैदा करने जानी चाहिए. NSS 26 अप्रैल मानव श्रृंखला, वोटिंग गुड़ी रिले प्रतियोगिता आदि. स्पीक जिला नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर ने प्राचार्यों से अपील की कि वो समाज के भागीदारी में माध्यम से मतदान का अधिकतम प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करें. समय सभी को शपथ दिलाई गई. परभनी जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी नागरिकों को रमजान की शुभकामनाएं. शुभेच्छुक नदीम इनामदार, महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी, नगर सेवक मनप्पा, जिला नियोजन समिति सदस्य. दरगाह शिरनी कॉन्ट्रैक्टर अफसर खान की ओर से सभी नागरिकों को रमजान ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं. दरबार कंदोरी हॉल, कंदोरी के लिए लगने वाले सभी चीजें दस्तियाब है. उस्मान खान मिठाई घर, हर किस्म की मिठाई दस्तियाब है. मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 94227179 पर संपर्क करें. पता दरगाह रोड, तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह, परभनी.
आज तारीख 3 अप्रैल 2024 बुधवार के रोज लहजू विद्रोही सेना की ओर से 17वीं परभणी लोकसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भास्कर नाना शिंदे इनके प्रमुख हाजिरी में मराठवाड़ा अध्यक्ष शिवाजी कांबळे इनके नाम का नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की घोषणा की गई है। उसी के साथ साथ लहजू विद्रोही सेना के महाराष्ट्र राज्य सचिव पूजा देड़े, सोनपेट गंगाखेड़ तहसील के निलेश टवाड़े, जिला अध्यक्ष नामदेव गालफाड़े, इनके अलावा लहजू विद्रोही सेना के पदाधिकारी समय मौजूद थे। प्रथम सर्वांना क्रांतिकारी जय लहजू जय भीम। मी लहजू विद्रोही सेनेचा संस्थापक अध्यक्ष भास्कर शिंदे आज परभणी शहरामध्ये आज अण्णाभाऊंच्या पुतळ्याला पुष्पार्पण करून आज मी या शहरामध्ये लहजू विद्रोही सेनेच्या वतीने अपक्ष उमेदवार म्हणून आज शिवाजीभाऊ कांबळे यांचा परभणीला फॉर्म भरण्यासाठी आलो आहे। मातंग समाजाला समतेच्या भावनेतून न्याय महाराष्ट्र सरकार देत नसल्यामुळं आणि महाराष्ट्रामध्ये आज कोणत्याही पक्षाने प्रभावीपणे तिकीट जे की मातंग समाजाला अपेक्षित आहे बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानातली समता अपेक्षित असतानाही एकही मातंग समाजाला तिकीट न मिळाल्यामुळे आम्ही महाराष्ट्रात जवळपास 42 ठिकाणी असे उमेदवार उभा केलेले आहे आणि या 42च्या माध्यमातून आज लहजू विद्रोही सेनेचा कॅन्डिडेट म्हणून शिवाजीभाऊ कांबळे यांना आज परभणी शहरामध्ये उमेदवारी भरत आहोत। मी असा लहजू विद्रोही सेनेच्या वतीने संकल्प केलेला आहे की आपण स्वतः आपल्या मातंग समाजाची ताकद या शासनाला दाखवा, आम्हाला दखलपात्र करायला पाहिजे। आम्हाला कुठेही आतापर्यंत उमेदवारी मिळालेली नाही म्हणून आम्ही स्वतंत्र निवडणूक आम्ही लढत आहे। म्हणून मी परभणी लोकसभा मतदारसंघातून लहजू विद्रोही सेना व सकल मातंग समाजाच्या वतीनं आज उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहे। तरी सर्व मातंग समाजाने व सर्व नेते मंडळांनी एकत्र येऊन मातंग समाजाची ताकद ही शासनाला दाखवण्यासाठी ही संघर्षाचा लढा आहे आणि या लढाईत ही लढाई जिंकली पाहिजे या हेतूने समाजाने एकत्र येऊन शिवाजी कांबळे यांना मतदान करायला पाहिजे। सर्वच बाजूने त्याच्या पाठीमागे राहून आपल्याला या समाजामध्ये जे काही आपल्याला उणीवा भासत आहेत किंवा समाज उखरलेला आहे हा या संघटनेच्या माध्यमातून किंवा ह्या उमेदवारीच्या माध्यमातून एकत्र येऊन आपली ही शासनाला किंवा या राजकीय पक्षाला आपली समाजाची ताकद दाखवून भविष्यात आपल्याला या समाजासाठी कुठंतरी आपले काहीतरी मार्ग निघतील यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन मातंग समाजाचा उमेदवाराला एक निष्ठेनं मतदान करून करावा अशी आजच्या या क्षणी मी विनंती करतो। आज तारीख 3 अप्रैल 2024 बुधवार के रोज परभणी शहर के अतिथि सभागृह में आलमगीर खान इन्होंने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी लोकसभा प्रमुख पद से अपना इस्तीफा देने की घोषणा की है। उसी तरह उनके साथ के समर्थकों ने भी बाला साहब अम्बेडकर इनके इस विश्वासघात मामले को लेकर उन्होंने भी अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। आलमगीर खान इन्होंने अपने लोकसभा प्रमुख पद का इस्तीफा देते हुए बताया है कि बाला साहब अम्बेडकर इन्होंने उनके साथ उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने के बावजूद लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उनका नाम कई महीनों पहले ही दे दिया गया था लेकिन उनके साथ वो विश्वास न रखते हुए उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। आलमगीर खान ये 2019 में 1.5 लाख के करीब इन्होंने अपने वोट बटोरे थे जिसके कारण आज उन पर जनता का विश्वास लगा हुआ है और इसी दौरान उन्होंने 5 साल से इस इलाके में काम करना शुरू किया था जिसे कि रास्तों का मसले हो या फिर अन्य मसले इन मामलों को लेकर वो आग बढ़ चढ़कर आगे रहे हैं। लेकिन क्या बात रही कि जहां पर वंचित आघाड़ी के सर्वे सर्वा बाला साहब अम्बेडकर ने उन पर विश्वास न करते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव का टिकट उनसे काट लिया और अन्य समाज के व्यक्ति को दे दिया है। इसकी वजहवात क्या हो सकती है? आज माहौल ये था कि वंचित बहुजन आघाड़ी का ये अगर से आलमगीर खान इन्हें उम्मीदवारी बनाई जाती तो ये निश्चित ही आज वंचित का यहाँ खाता खुलने की संभावना जताई जा रही है। इस समय संवाददाता सम्मेलन में आगे की उनकी भूमिका क्या रहेगी और रणनीति इस लोकसभा चुनाव को लेकर क्या करेंगे इसके बारे में आलमगीर खान इन्होंने क्या कहा आइए जानते हैं। मैं आज वंचित बहुजन आघाड़ी पक्ष की सदस्य से मैं राजीनामा दिए चुका हूं और जिस तरह सभी लोग जानते हैं कि 2019 से 2024 तक मैंने पक्ष के साथ ईमानदारी से तन मन और धन से काम करता रहा लेकिन राजीनामा देने का कारण ये रहा कि जैसे मैंने बताया कि कार्यकर्ता को जो निर्णय पक्ष ने लिया है कार्यकर्ता को विश्वास में ना लेकर निर्णय लेने के कारण से कार्यकर्ता बहुत नाराज है। हमको विश्वास में लिया जाता और विश्वास में लेने के बाद उम्मीदवार को परिचय कराते हुए कार्यकर्ता से और कार्यकर्ता उसके साथ जुड़कर काम करने के लिए उसका परिचय होता तो हम नाराज़ नहीं होते।
लेकिन इस तरह के निर्णय जो लिए जा रहे हैं उससे हम नाराज़ हैं और यही कारण से मैं आगे चलकर पक्ष के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। और मैं बहुत बहुत आभारी हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर जी का, जिन्होंने मुझे एक पहचान और एक मौका वंचित बहुजन अघाड़ी के माध्यम से दिया था, लेकिन बहुत ही तकलीफ और दुख के साथ मुझे आज ये राजीनामा देना पड़ रहा है। आगे लोकसभा चुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा? आगे लोकसभा चुनाव में जिस तरह कार्यकर्ता भी नाराज़ है और कार्यकर्ता के साथ हम सुझाव लेकर मैं निर्णय यही ले रहा हूं कि इस लड़ाई में मैं भागीदारी लूंगा और आगे चलकर आपको क्या भूमिका रहेगी वो मैं आपको अगले एक दिन में आपको पता चल जाएगा, वो बता दूंगा। आप पक्ष फॉर्म भरेंगे या कोई पक्ष के साथ? मैं आपको अगले 24 घंटे में निर्णय लेकर आपको आपके सामने रख दूंगा ये बात। ओके जी, उम्मीदवार दिलेलं आहे ते आम्हाला कधीही मान्य नाही। दुसरी गोष्ट, आलमगीर खान साहेबांनी 5 वर्ष इथं काम केलं, 5 वर्ष काम केल्याबद्दल त्यांना म्हणजे हे सांगायचं म्हणजे हे अन्याय झालं त्यांच्यावर सांगायचं। हम उनके साथ में हम संघर्ष जो लोकसभा का जो उम्मीदवार दिए हैं वो खतई होने का किसी को मान्य नहीं है। और लोग जो पार्टी जो कह रहे हैं कि भाई अभी पत्रकार परिषद में कहा है कि भाई 5 साल में क्या करें हैं, वहाँ पूरे 11 रोड के आंदोलन जो वंचित बहुजन अग्रधारी आलमगीर खान साहब के नेतृत्व में हुए हैं और 62 करोड़ रुपये सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी और आलमगीर खान साहब के नेतृत्व में चाहिए। रही बात कि यहाँ पर जो सीट के जो चांसेस हो गए थे कि भाई वन साइड है, नहीं क्या हर आदमी ने, हर समाज के लोगों ने एक ऐसा निर्णय ले लिया था कि भाई इस बार ही हम इस ज़िले के अंदर एक अच्छा नया चेहरा, एक अच्छा एजुकेशन आदमी, एक विकास का दिमाग रखते हुए वो आदमी को हम चुन के देंगे। हर समाज में एक ही थे, क्योंकि परभनी के अंदर आज तक जो जातवादी के जो संग चला है राजकरण कि भाई खान पाए जाएगा, बांध पाए जाए, आज पूरे परभनी को वो चीज़ के भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आलमगीर खान साहब ने एक ऐसा पूरे परभनी ज़िले के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करे थे कि भाई सिर्फ परभनी में जो होगा तो विकास ही होगा। विकास के मुद्दे को लेके आज हम हर आदमी आलमगीर खान साहब को तहे दिल से चाह रहा है। और उनके साथ जो बेइंसाफी हुई है, क्योंकि हमारे को खुद नहीं मालूम है कि क्योंकि मेरे को जब बाड़ा साहब को मैंने जब मिला था तो उन्होंने कहा था भाई आपने मुस्लिम ने मुझको आपको काम कर रहा, हम सिर्फ मुस्लिम में काम कर रहे हैं और एंड टाइम तक, जबकि कि अभी एक ही दिन बाकी रह गया, आज के मिला 2 दिन है और एंड टाइम पे जब टिकट का बेइंसाफी जब हो रही है, ये बहुत बड़ी गलत है। इसलिए मैं वंचित बहुजन अघाड़ी का जिला संगठन से यानी कि मैं मेरा इस्तीफा अभी कुछ ही देर में दे दूंगा। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमने आपको जिस तरह से हमारे व्यूवर्स को और हमारे देखने वालों को हम जो बात बता रहे हैं कि भाई आप हमें लाइक और आपके कमेंट्स भेजना ज़रूरी है ताकि हम बेहतर से बेहतर आपको जो है तो हमारे न्यूज़ आपके सामने प्रकाशित कर सके। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।